प्रश्न कह रहा है यदि 4 × 9 = 25, 7 × 4 = 53, तो 9 × 4 = क्या होगा, इसका आंसर बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न आए तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ। और आप दोस्तों टेस्ट के तौर पे भी सारे क्वेश्चन को जरूर लिया करिए, अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश किया करिए। तो देखिए ये 4 और 9 को दोस्तों हम क्या करें कि 25 हो जाए, ध्यान दीजिएगा, और 7 और 4 को दोस्तों क्या करें कि 53 हो जाए। उसी प्रकार से दोस्तों हम 9 और 4 को कुछ करके यहाँ पे लाएंगे आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं 4 × 9 करेंगे तो 4 × 9 क्या होगा दोस्तों, 36 होगा, 9 × 4 = 36 होगा, और यहाँ पे 25 दिया है ऐसे होगा नहीं, 7 × 4 = 28 होगा, यहाँ 53 दिया ऐसे होगा नहीं। लेकिन देखिए इसका आंसर इन्हीं दोनों संख्याओं से आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 है ना दोस्तों, इस 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, और 16 में ये 9 है ना दोस्तों, इसको प्लस कर दीजिए, 16 × 9 क्या होता है दोस्तों, 25 होता है, और देखिए 25 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगले वाले को देखिएगा, 7 का क्या करिए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 49, 49 होगा, और 49 में क्या करिए ये जो 4 है ना जोड़ दीजिए, 49 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 53 होगा, देखिए 53 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाले का भी आंसर देंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 81 में दोस्तों क्या करेंगे इस 4 को जोड़ लेंगे, 81 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85 होगा, क्या होगा 85, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा 85 होगा। देखिए 85 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरे में, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।